आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर के रांची थाना अंतर्गत बड़ा पत्थर में रहने वाली श्रीमती सरला साहू ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी शिकायत देते हुए बताया कि उनका रांची बड़ा पत्थर में खुद का मकान है, जिसमें अकेले रहती हैं। सरला साहू ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनके क्षेत्र के ही रहने वाले कुछ बदमाश सतीश साहू के साथ आकर उनके घर में ताला तोड़कर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसकी रिपोर्ट सरला साहू ने रांची थाने में की, लेकिन अभी तक आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से करते हुए सरला साहू ने मकान खाली कराने और गुंडों पर कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर उनके साथ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन के एडवोकेट आनंद नेमा, धर्मेंद्र सिंह सहित ग्राहक पंचायत के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, मेरा नाम सरला केवट है, मैं रांची में रहती हूँ और मैं अकेली घर पे थी और ये सतीश साहू और इसके कुछ साथ में गुंडे आके मेरे ऊपर हमला किए और मेरे साथ अवैधता करने लगे। और मैं 100 नंबर को जब फ़ोन लगाई, 100 नंबर गाड़ी आई, मैं रिपोर्ट लिखाने गई और इन्हीं लोगों ने मेरे घर पे अवैध तरीके से कब्जा कर लिए, पूरा मेरे गृहस्थी का समाज, और मुझे जाने भी नहीं दे रहे हैं। और 6 महीने हो गया है, मैंने FIR कराई लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए मैंने SP ऑफिस सर के पास आई हूँ कि इसमें कार्रवाई की जाए। और मेरे कहे अनुसार उन्होंने मतलब रिपोर्ट भी नहीं बनाई थी थाने में और धारा भी नहीं लगाई, तो उसकी मेरे आवेदन की देने आई कि मेरे पिताजी का नेत्रम पौत्रिक मकान है। सरला केवट। सरला केवट मैडम जी, हम अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की कार्यकर्ता हैं और इनकी एक समस्या है, इनका पैतृक निवास नांजी में है, कोई साहू जी ने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और इनका सामान जो है अभी भी वहाँ रखा हुआ है। और FIR की तो कम धाराओं में FIR दर्ज की TI ने वहाँ के, इसके बाद हमने SP साहब को कंप्लेंट की हुई है। अभी हम SP साहब से मिले, उन्हें हमें आश्वासन दिया और मेरे सामने फ़ोन किया थानेदार को कि इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो करें और इनको रिलीफ दिलाएं। आनंद नेमा, एडवोकेट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।